गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डे 5 इन टुलूम। यहाँ से अभी हम चेकआउट करने लगे हैं। हमने अपना सारा सामान बांध लिया है, सारी हमने पैकिंग कर ली है एंड हम अब इस एयरबीएनबी को बड़ी गंदी हालत में छोड़ के जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर इन्होंने हमें कोई फैसिलिटी दी नहीं हुई। डस्टबिन एक दिया जो कि फुल हो गया है। डस्टबिन को खाली कहाँ करें हमें नहीं पता, बट जो खाने पीने का सामान था डब्बे थे हमने उधर रख दिए। यहाँ से हमने सामान पैक कर लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैराडाइज बीच एंड देन पैराडाइज बीच पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वी आर गोना लीव फॉर कैनकून विच इज़ अबाउट 2 आवर्स ड्राइव। एंड फिर हमने वहाँ पर होटल में 4 बजे के बाद चेक इन करना है एंड देन वहाँ पर होगी हमारी आज आखिरी रात एंड कल हमारी फ़्लाइट है। तो सामान उठाते हैं, गाड़ी में जाते हैं एंड देन लीव, लेट्स गो। पूरा बीच अपना। चलो जी पहुंच गए हम पैराडाइज बीच। उतरो, टोपी ले जा रहे हो? हां लो। फहद तुम कुछ नहीं ले जा रहे हो? वही 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 फहद। ओ मेरा फोन वहां पे तो कोई है ही नहीं। बंदा ही नहीं है तो यहाँ पर पे करना है। जगह इन्होंने काउंटर वगैरह बनाया हुआ है। आई गेस वी आर द फर्स्ट वन हियर। हम सुबह 9 बजे पहुँच गए हैं बीच एंड पार्किंग लॉट में एक बंदा भी नहीं है अभी तक एंड जो टिकट जहाँ पे पे करना है उस काउंटर पे भी कोई नहीं है। तो जाती हैं बीच चेक करती हैं कैसा बीच है। फहद इस बीच को मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीवीर छोड़ो जैसे ये पिक्चर्स में नजर आ रहा है ये तो वैसा 1% भी नहीं है। तो ये तो गंद का ढेर है। ये मुझे समझ आ गई है, बात मुझे समझ आ गई है। ये सी वीड की वजह से पानी का रंग इधर खराब हो गया है। पूरा यहाँ पर सीवीड की सफाई हो रही है सुबह सुबह, बट इतनी सीवीड है कि इस मौसम में यहाँ से ख़त्म नहीं होती। एंड मैं इस बीच की ज़रा पिक्चर्स अटैच करूँगा या वीडियो इंटरनेट से उठा के। बाकी मौसमों में कैसा देखता है और इस मौसम में कैसा देख रहा है, बिल्कुल काला और गंदा पानी लग रहा है। तो ये हम कैनकून जाते हुए रास्ते में एक शहर आता है उसका नाम है प्लाया डे कारमेन। उसके हम किसी बीच पर आए हैं। दिस बीच इज़
सो मच बेटर देन द वंस इन टुलूम एंड कैंकून। कैंकून में अभी तक मैंने नहीं देखा, बट मैंने जो सुना है वो उसकी वही हालत है जो टुलूम वाली बीचेस की है। और यहाँ पर लोग भी ज़्यादा है, यहाँ पर जेट स्की, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। सब रही मैंने कहा यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ लाइक दे आर ऑन द बीच, जिसने करनी है वो इधर ही बीच पर कर सकता है। फॉर पैरासेलिंग दे आर चार्जिंग 75 USD, अमेरिका में तो बहुत महंगा है बट यहाँ पर इट्स चीप। एंड जेट स्कीज़ भी हैं यहाँ पर, सेलिंग सेल बोट्स भी हैं, एंड बाकी रिजॉर्ट्स है साइड पे, लोग रिजॉर्ट्स की चेयर्स में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। एंड देन और भी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पर, बीच वॉलीबॉल हो रहा है। आगे हम फिर रहे हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम अपने कैंकून के रास्ते वापस चले जाएंगे, कैंकून के रास्ते के ऊपर। एंड या दिस इज़ हाउ डे इज़ गोइंग सो फार। मज़ा आ रहा है, धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है बट मज़ा आ रहा है। इस साइन के साथ देखते हैं, लाया थे कार में ना ये, हम फर्स्ट आए कि तब तस्वीर भी नहीं लेंगे। वो देखो सारे लोग ले रहे हैं, मैं वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लूँगा। हो गई, चलो मैंने तो वीडियो ही ले ली, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं बाद में। धूप की वजह से आंखें नहीं खुल रही हैं। अच्छा यहाँ ये फेरी की रेंटल की दुकान है, वो आगे भी फेरी है, ये सारी फेरी। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आइलैंड है, उसका नाम है कोजुमेला आइलैंड, वहाँ पर बहुत लोग जाती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पर भी आई थिंक यही पैरासेलिंग वगैरह, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग होती है। तो यहाँ उन्होंने उसके ऑफिस बनाए हुए। हार्ली डेविडसन की दुकान अंदर है ये। तो यहाँ उनके ऑफिस के ऊपर सब काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, सारे लोग कोजुमेला आइलैंड जा रही है। यहाँ कॉप खड़ी है पुलिस। ये लोग फूड एंड क्लोथ्स फॉर, कपड़े यहाँ से मिल जाएंगे। कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके या लेते हैं, एक नहीं उठाओ ना तुम लोग, फिर पानी हमने ले लिया यहाँ से चार बोतलें, और ये लोग कुछ खाने को भी ले रहे हैं। फाते सुबह नाश्ता नहीं किया, हमने तो खाई थी शाही कढ़ाई, फाते नहीं खाई, फात को नहीं पसंद। तो यहाँ से कोई सैंडविच ले रहा है, मज़े की तो थी। ओ क्या हुआ, चिकन कर रहे हो, चिकन चीज सैंडविच। अच्छा ये भी हम जिस जगह पे फिर रहे हैं ना, उसे राइट साइड पे वही सारा बीच है, इधर से लाइक आई थिंक कोई दो मिनट की वॉक ही भी होगा। एंड देन ये अंदर की साइड पे इन्होंने लाइक पूरा एक शॉपिंग स्ट्रिप बनाई हुई है। यहाँ पर पीछे साइड पर ब्रांडेड दुकानें थी, सच है, ओल्ड नेवी, ज़ारा और भी बहुत सी लाइक अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स की दुकानें थी। एंड इस साइड पर, इस वाले साइड के स्ट्रिप के अंदर सारी इनकी लोकल पिक्चर की दुकानें हैं, लाइक मायन ज्वेलरी मिल रही है, मायन इनके कपड़े मिल रहे हैं, तो वो कल्चरल थिंग्स एंड सुवेनियर्स इस एरिया में की दुकानों के अंदर मिल रहे हैं।
ये क्या है? दूर है, इल्यूजन है। ब्रो दिस थिंग इज कूल, कितना अच्छा लग रहा है ये पीछे देखो, लाइक आंखों का इल्यूजन लग रहा है। वो हवा से घूम रहे हैं ना, तो लाइक फिर रहे हैं वो और चेंज हो रहा है, आगे बढ़ती है। कहीं भी कर दो, फिलहाल बाद में देखते हैं। हमारा कौन सा नंबर है? हमारा कौन सा नंबर है? 63। ओके, चेक इन। व्हाट योर नेम? ZAZAIN. लौटा तो हम अपने साथ दूसरे मुल्क भी जाएँ तो कैरी करती है, तो ये हम घर नहीं छोड़ते, साथ लाए हैं अमेरिका से मेक्सिको। चलो चेक इन हो गया, जाते हैं रूम के अंदर एंड लेट्स सी हाउ द रूम इज। ओह कितनी ठंडी की हवा है, मज़े की एसी की। ये हमारा इस जगह का छोटा सा रूम, एक रात ही हमने रुकना था यहाँ पे, खाली सोना था तो हमने छोटा सा करवाया था एंड थक गए हैं यार। आज हमारे साथ धोखा हो गया। हमने वो वाला जो रूम बुक करवाया है ना, उसके बेड्स लाइक सिंगल जो ट्विन बेड्स है बहुत छोटे, उसमें दो लोग नहीं आते, तो हमने चेक करवाया, बाथरूम में पानी भी नहीं आता। हमने चेक करवाया कि अगर एक और रूम है तो हम दो रूम बुक कर लेते हैं, रूम्स वर लाइक $30, यहाँ पर चीप थे, तो दूसरा रूम बुक किया। सईद और फहद इधर नहीं, सईद और साद इधर आ गए हैं एंड दिस रूम इज सो मच बेटर देन द अदर वन, बड़ा भी है, यहाँ पर इनको फ्रिज भी लगा के दिया हुआ है, टेबलें भी लगा के दी हुई है एंड इनके पास यहाँ शायद टीवी, खूबसूरत सिंक है यहाँ पे एंड बाथरूम का सबसे पहले ना यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत तेज है, वहाँ हमारे उसमें तो बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा, फहद भी ना किया है। और ये भी दिया है इनको, ये तो हमने इनसे उठा लिए हैं, इधर इनके लिए टोकरी में रखे हुए हैं, ये तो हमने उठा लिए इनसे। हमारा रूम वो है, सबर मैं इधर से दिखाता हूँ। वो सामने वाला दिस कहाँ गई मेरी उंगली, दिस वन राइट हेयर, वो हमारा रूम है और इनका सेकंड फ्लोर पे ऊपर।